तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा रोड व्लॉग यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूँ जो बिल्कुल बीहड़ है और इसे इलाहाबाद का कछार कहते हैं। ये कछार एरिया है और यहाँ की व्लॉग वीडियो आज मैं आपको बनाकर बताने वाला हूँ। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर आप इलाहाबाद के इस कछार में आए हुए हैं तो आपको ये चीज़ें देखने को मिली होंगी और इस तरह का माहौल यहाँ का देखने को मिला होगा। और ये है मेरी गाड़ी और इसी गाड़ी से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, जो कि मैंने रिसेंटली डोमेस्टिक यूज़ के लिए लिया है। और यहाँ पर मैं और भी जगहों पर चलूँगा और आपको यहाँ की सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। और ये तो आप खाली जगह देख रहे होंगे पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो ये थी मेरी गाड़ी और यहाँ पर ये हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर चलूँगा और इसी कछार से एक गंगा नदी है वो भी यहीं से होके जाती है और ये नदी सीधे चली जाती है उत्तरी से दक्षिणी इलाहाबाद की तरफ। और यही नदी मिलकर संगम में जाती है और वहाँ पर मिलती है। और जिस समय इलाहाबाद में संगम, यमुना और सरस्वती और गंगा ये तीनों नदियाँ मिलती हैं तभी यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और ये होता है जनवरी फरवरी के महीने में। तो अगर आप यहाँ का कुंभ मेला नहीं देखने आए हों तो कभी आना यहाँ पर, आपको इस तरह का नज़ारा तो नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि अभी यहाँ की फसलें कटी हुई हैं। यहाँ पर ये जो खाली जगह आप देख रहे हैं ये हैं यहाँ की फसलें और इन्हें काटी गई हैं रिसेंटली। पहले यहाँ पर तो लाशें फूकी जाती थी लेकिन अब वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है, अब यहाँ पर खेती होती है पूरा और लाशें फूकने की जगह बदल दी गई है। और यहाँ पर आपको दूर में एक खेत दिख रहा है इस तरफ, यहाँ पर देखेंगे तो, और वो किसान है वहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं हर जगह पर जाऊँगा तो आप वीडियो को देखते रहिए। और ये जो जानवर जा रहे हैं इन्हें छोड़ा गया है चारे के लिए। अब ये जानवर इतने जानकार हैं कि ये सीधे अपने उस घर को जाएंगे जहाँ से इनको छोड़ा गया है। और ये सभी जानवर जो हैं कि एक ही किसान की हैं, यानी कि इनका मालिक जो है कि एक ही है। और ये लोग जब जाएंगे तो अपने जहाँ तबेला है इनका उसी जगह पर ये जाएंगे जानवर। और इन्हें कोई रास्ता बताने वाला नहीं है, इनको रास्ते पते हैं तो ये सीधे अपने रास्ते से चले जाएंगे। और यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल अब नहीं होता है और ना ही कोई देखने आता है, तो वो चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में तो जहाँ से कछार ख़त्म होता है इस साइड में वहाँ से फाफा मोह लगता है। और ये जो खाली जगह है बीच का, ये इलाहाबाद के बीच का जगह है। और अगर आप इस साइड में जाएंगे सीधा सीधे गंगा जहाँ नदी पूरी एकत्रित होती है, वो जो शास्त्री पुल है आप देख रहे होंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर है शास्त्री ब्रिज, ये पूरा दिख रहा है शास्त्री ब्रिज। और ये गंगा के बीच से बना हुआ है, यहीं से लोग क्रॉस करके इलाहाबाद सिविल लाइन्स लोबी बाग डॉट पुल और बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। और नैनी भी इसी तरफ से जाते हैं इसको क्रॉस करके। तो अगर किसी दिन मैं नैनी जाऊंगा तो वहाँ की भी ब्लॉग वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है।
और मैं अब चल रहा हूँ आगे, आप आगे का भी नज़ारा देखेंगे। तो ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत होगी, देखते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और अभी मैं एक किनारा पकड़ के जा रहा हूँ सीधे, और देखता हूँ कहाँ पर पहुँचता हूँ। और चलिए मैं आपको वो नदी दिखा देता हूँ, गंगा नदी, जो यहाँ से निकलती है इस तरफ। और अभी हम सीधे चल रहे हैं इस खेत से, और इस खेत में गेहूं की फसल लगाई गई थी और अब इसे काट लिया गया है और फसल अब यहाँ पर नहीं है। और चल रहे हैं हम उस जगह पर जहाँ से गंगा नदी आती है। तो यहाँ पर अगर धूप न लगे तो बहुत ही एकांत जगह है। और उधर जो एक कुटी है इस तरफ, यहाँ पर पहले साधु लोग रहा करते थे, लेकिन कोरोना के समय में नहीं है, या फिर क्या वजह है यहाँ पर कोई नहीं है, इसका एग्जैक्ट रीज़न मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं भी इस जगह पर बहुत दिनों के बाद आया हुआ हूँ। मैं प्रॉपर जॉब कर रहा हूँ, अभी नोएडा में हूँ, और नोएडा से मैं गाँव आया हूँ। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं चलूँ और आप लोगों को यहाँ की वीडियो बनाकर दिखा दूँ। और यार यहाँ मेरी जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाशें फूंकी जाती हैं और इस समय कोरोना का माहौल चल रहा है, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है। और ये है गंगा नदी, अभी नदी आई नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वापस जाऊँगा सीधे, क्योंकि भाई बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय में, पैंडेमिक में, ठीक है। तो वापस चलता हूँ अपने गाड़ी के पास और आपको कुछ और जगह पर लेकर चलता हूँ, सेफ जगह पर। और यहाँ पर ना ले जाने का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो एक लाश यहाँ पर है। और इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ना, इस जगह पर कई लाशें हैं जो दफनाई गई हैं, क्योंकि ये गंगा का किनारा है, गंगा नदी है, इसलिए यहाँ पर लाशें गाड़ी जाती हैं। और हम चलेंगे सीधे अपने गाड़ी के पास, मेरी गाड़ी यहाँ पर है। तुम्हें जिंदगी, यार गाना गाने का मन भी कर रहा है, और अभी आप लोगों को और भी चीजें दिखानी है। तो अगर आप यहाँ पर जितने भी जानवर हैं, अगर इनको आप देखोगे तो इनका कोई मालिक नहीं है, लेकिन ये जानवर इतने ज्यादा जानकार हैं कि इनको पता है इनका घर कौन सा है, इनको कहाँ जाना है। ये सीधे वहाँ पर चले जाएंगे और इनके मालिक टेंशन फ्री हैं,
कोई इनकी भैंस यहाँ से चुरा नहीं सकता है। एक भी भैंस अगर चोरी हो जाती है तो इन्हें पता चल जाता है कि कौन ले गया है। और पता करने के लिए कोई माइक्रोचिप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भैंस के अंदर माइक्रोचिप लगाई गई है जिससे वो ट्रैक करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी है, लोकलिटी है, इनको सब पता है कि इनका जो जानवर है वो किसके पास होगा। सीधे वहाँ पर हमला बोलते हैं। तो अभी इधर ही हमें 10 मिनट हो गए हैं और इस समय जो मौसम है ना, वो चक्रवात की वजह से बिल्कुल कूल पड़ा हुआ है। ठीक है, अपने गाड़ी में हम लगाते हैं चाबी और चलते हैं आगे की तरफ। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी दूर पर हम पहुंचे हुए हैं और आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कांटे हैं और गाड़ी जाएगी मेरी तो हो सकता है ये कांटे मेरे गाड़ी के टायर में चुभ जाएं और मुझे लंबा नुकसान भरना पड़े। तो गाड़ी को मैं इधर ही खड़ा करता हूँ और आगे चलता हूँ। तू यार कहाँ फट रही है गाड़ी, इधर भी लाश से गाड़ी गई ही है देखो। फिर भी प्रोसीड टू फर्दर। और इधर कांटे बहुत ज्यादा हैं। और हम चल रहे हैं थोड़ा ऊपर टापू पर, कछार का एरिया है ये टापू है भाई। और उधर दिन ढल रहा है, चिड़िया उड़ रही हैं, ये अपने घोंसलों में जाएंगी। अब ये है इलाहाबाद के कछार का नज़ारा। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस देखते रहेंगे तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर है पावर हाउस, जो हमारे गांव में बिजली जाती है, यहीं से जाती है, इस पावर हाउस से कंट्रोल होता है। और ये है स्कूल, डिग्री कॉलेज है, यहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया है। अभी ये इधर से छोटा दिख रहा है, अभी सामने से बड़ा दिखेगा, पता नहीं यही है कि दूसरा नहीं। हमारे
डिग्री कॉलेज आगे है, वो बहुत बड़ा है, तो वो भी दिखा देंगे। अभी के लिए फिलहाल यही, और इस समय हम टापू पर हैं, बिल्कुल ऊंचाई पर। साफ साफ पूरा कछार देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और यार यहाँ पर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करना है इसलिए यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो नदी है, इसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी नदी आगे बढ़ती है और सीधे ये पापामो तक जाती है, उसके आगे भी जहाँ भी है ये नदी जाती है। और ये छोटी गंगा है भाई इलाहाबाद की। और यहाँ पर ये जो पानी वाली जगह है, ये तो खेत का पानी है, और ये वाला जो पानी का जगह है ये नदी का है। मैं नदी के किनारे नहीं जा रहा हूँ, आपको पहले ही वजह बता दी है। और थोड़ी आगे चलते हैं, और इधर जो है ये नहर है, नहर मतलब नहरा जिसको खंडहर भी कहते हैं। और कभी मैं यहाँ अगर रात में आया तो यहाँ पर रात का सीन भी बनाऊंगा। और यार यहाँ पर जितनी भी जगह जा रहा हूँ उन सब जगहों पर लाशें हैं, गाड़ी गई है। यहाँ पर जितने भी चमकीले कपड़े दिख रहे हैं सब जगह पर लाश है, और ये यहाँ पर भी लाश गाड़ी गई है। भाई आगे नहीं बढ़ने का मन कर रहा है, खेती भी खूब हो रही है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है लाल वाली उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर सब्जियाँ भी खूब होती हैं, तो कुछ जगह पर आप सब्जियाँ भी देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है सब्जी का खेत, यहाँ पर सब्जियाँ उगाई गई हैं, ये वाला जो खेत है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत सारे मवेशी देखेंगे। और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ तो नहीं देखेंगे,
भेड़ भैंस गाय ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। यहाँ पर जो पुल है बड़ा वाला, ये फाफामो का पुल है। फाफामो से आते हैं इलाहाबाद के लिए, तो उधर भी क्योंकि गंगा नदी पड़ती है इसलिए वहाँ पर ये बड़ा सा पुल बनाया गया है उसको क्रॉस करने के लिए। उधर से लोग कचहरी जाते हैं जहाँ पर हाई कोर्ट है। और यहाँ से आप देख रहे हैं भेड़ निकल रही हैं और ये कुछ गाय हैं, ये भी जा रहे हैं अपने घर को। अभी जैसे जैसे दिन ढलेगा ये सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, उसके बाद ये सारा कछार सुनसान रहेगा, यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा। अभी मैं इस टापू से नीचे जा रहा हूँ। यहाँ से मैं यू वापस जाऊंगा और जिस जगह पर गया था वहाँ पर जाऊंगा। और मैं लगाया हुआ मास्क, और ये कुछ गायें आ रही हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत सा पक्षी बैठा हुआ है, इसे मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। और यहाँ से अभी आप चेंजेस देखेंगे कि किस तरह चेंजेस होते हैं। यहाँ पर अभी कोई नहीं रहेगा, सब लोग अपने घर पर जाएंगे। और यहाँ पर एक गाय आ रही है, ये भी जा रही है अपने घर को। रात में यहाँ पर कोई नहीं रहता क्योंकि ये खाली जगह है, सुनसान जगह। यहाँ पर सिर्फ खेती होती है और जब यहाँ पर बरसात का मौसम आता है तो यहाँ पर बाढ़ भर जाता है। यानी कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पूरा पानी ही पानी भर जाता है, पूरा जलमग्न हो जाता है। और यहाँ पर जो आप खाली लैंड देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी दिखता है। और कोई टापू ऐसा नहीं है जहाँ पर आप जा सकते हैं विदाउट नाव के, आपको बोट से जाना पड़ेगा घूमने टहलने के लिए। तो जिस समय यहाँ पर बाढ़ आता है हम लोग आते हैं इंजॉय करने। अगर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो इस चैनल पर वो बाढ़ वाली वीडियो हैं पीछे उसी जगह पर जहां से हम लोग आए थे। चले फिर आइए चलते हैं। तो ये है नेचर का नज़ारा। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था
लेकिन अब जब यहाँ पर इंसान धीरे धीरे रहने लगे तो यहाँ पर आपको खेती करते हुए खेत दिख रहे हैं, जहाँ पर खेती करते हैं, और यहाँ पर कुछ लोग आते जाते रहते हैं किसी न किसी काम को लेकर। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बाइक वाला जा रहा है इधर, तो वो जा रहा है किसी काम से, हो सकता है अपने खेत में जा रहा हो। तो आइए हम वहाँ पर चलते हैं और वहाँ का नज़ारा देखते हैं। जगह पर चलेंगे हम और नदी को आपको दिखाना ही है कि इलाहाबाद के कछार का नदी किस तरह से है, नदी इधर कैसे बहती है, ये चीज़ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं उस जगह पर चल रहा हूँ, देखता हूँ जगह सेफ है या फिर नहीं। तो अभी खेत की पगडंडी से मैं जा रहा हूँ, जिसे गांव में मेड़ भी कहते हैं। मेरी गाड़ी उस तरफ नहीं जा पा रही, नहीं तो मैं आपको बहुत ही अच्छी जगह पर ले जाता। किसी अन्य वीडियो में मैं वो टापू के पास लेकर चलूं आपको। फिलहाल अभी के लिए हम चलते हैं आगे, हम दिखाना चाहते हैं आपको यहाँ की नदियाँ, नदियाँ नहीं नदी, क्योंकि यहाँ पर एक ही नदी है। और यहाँ पर चरवाहे आपको बहुत दिखेंगे, सबकी भैंस है यहाँ पर। पहले हम लोग आते थे यहाँ पर नहाने, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ पर नहाने आते थे और बहुत मज़ा आता था। हम लोग यहाँ पर तैरते थे, कुछ तैर भी लेते थे, तैरना भी आता था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भैंस हैं और पानी पी रही हैं ये भैंसें। और मुझे लगता है ये सेफ जगह है अन्य जगहों के मुकाबले। और यहाँ पर मोड़ है, नदी का। और ये जिस समय नदी पूरी भर जाती है तो इधर से लोग पार नहीं करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है गंगा नदी, जहाँ से मैं अभी आया था वो जगह है। उसके बाद यहाँ पर ये एक टर्निंग पॉइंट नदी का, और ये सीधे चली जाती है पापा मो के रास्ते दूसरी तरफ। और यहाँ पर कुछ साल पहले खनन का काम होता था, तो यहाँ पर भारी मात्रा में ऐतिहासिक चिन्ह पाए गए थे, जहाँ पर लोगों के होने की पुष्टि हुई थी। यानी कि जो कुछ घर थे वो उल्टे हो गए थे और यहाँ पर पलट गए थे, तो उन्हीं के ईंट पत्थर जो है मिले थे, कुछ खजाने भी मिले थे। तो उस जगह पर मैं ज़रूर जाता, लेकिन कुछ अवरोध आ रहे हैं वहाँ पर जाने पे। तो वहाँ पर जाने का दूसरा रास्ता है, मैं किसी अन्य वीडियो में वहाँ पर जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वो जगह।
समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मतलब एक मौसम जो है प्लेजेंट है, बहुत सुहाना मौसम है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर। और भाई यहाँ से मैं निकलूँगा, लेकिन यहाँ पर इस समय मौसम बहुत ही कूल हो चुका है, बहुत ही ठंडा हो चुका है, तो इन जगहों पर घूमने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन भाई यहाँ पर कुछ रिस्क भी है, हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए। तो पहले बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर नहाने आते थे, इसी नदी में नहाया करते थे, और दोपहर में हम लोग घर से छुपा कर आते थे यहाँ पर घूमने टहलने के लिए, और बहुत ही मज़ा आता था। और हम लोग तैरना भी यहीं से सीखते थे, तैरने की प्रैक्टिस हम लोग यहीं से करते थे, और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाती थी, तैर भी लेते थे। तो दोस्तों, आप लोगों ने इतना सारा कुछ देखा, तो इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और हमारे इस चैनल को सपोर्ट कर लो यार। सपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वाला बटन दबा लो, उसके बाद बेल आइकन वाला बटन जब दबाओगे तो हमारे ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको समझ लीजिए कि इसका आधा भी नहीं दिखाया है। और ये जगह है, सबसे पहले यहाँ पर जो गाजीपुर के लोग रहा करते थे वो यहाँ पर तरबूज और खरबूज दोनों की खेती किया करते थे, और यहाँ पर परवल जिसको पटर कहते हैं उसकी भी भारी मात्रा में खेती होती थी, और सभी पूरे इलाहाबाद में सप्लाई होती थी। यहाँ पर तरबूज, खरबूज, परवल, करेला, तमाम तरह की सब्जियाँ, लौकी, ऐसे तमाम तरह की सब्जियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती थी। जिस समय यहाँ पर बाढ़ आता है, और बाढ़ आने के बाद आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ हो जाती है, और यहाँ पर इस ज़मीन पर जो भी चीज़ें लगाएंगे बहुत ही भारी मात्रा में उसकी पैदावार होगी। तो पहले क्या था कि यहाँ पर तरबूज और खरबूज बोए जाते थे इन खेतों में, लेकिन आज क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गेहूँ लगाए जाते हैं, सिर्फ गेहूँ और कुछ नहीं, और कहीं कहीं बीच बीच में आपको सब्जियाँ देखने को मिल जाएंगी, पर्सनली जो लोग लगाते हैं। बाकी यहाँ के सबसे ज़्यादा आबादी जो यादव की है, और वही लोग यहाँ पर खेती किया करते हैं, और कभी कभी यहाँ पर मार धाड़ भी देखे जाते हैं, और मार करके यहाँ की जो फसलें हैं वो उठा ले जाते हैं, यानी कि बहुत ही दादागिरी भी यहाँ पे चलती है, क्योंकि ये कछार है, गोलियाँ चलना आम बात है, तो यही चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं। तो अगर आप कभी भी इलाहाबाद जाएंगे तो वहाँ पर जो शास्त्री पुल है, वो जो दो खंभे खड़े हुए हैं दूर पर, अगर ध्यान से देखोगे, मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी गड़बड़ ज़रूर होगी, लेकिन वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये दो खंभे हैं और इसके पीछे है शास्त्री पुल, ठीक है, जहाँ से आप लोग झूसी से डॉट पुल यानी कि नए पुल की तरफ जाते हैं, चुंगी की तरफ जाते हैं, या आलोपी बाग की तरफ, आप इधर से ही जाएंगे। और अगर आप इलाहाबाद की तरफ जाएंगे, कचहरी की तरफ, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो आपको इस तरफ से जल्दी होगा, और इधर से इलाहाबाद हाई कोर्ट बहुत ही जल्दी पड़ जाता है। पर इलाहाबाद शहर की बिल्डिंगें हैं कुछ, आप ध्यान से देख सकते हो,
और जिस समय यहाँ पर बाढ़ आती है भाई पूरा समंदर की तरह फील होता है। जिस तरह से आप लोग मुंबई में जुहू समंदर देखे हैं बिल्कुल वही फीलिंग आती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वहाँ पर ऊंचाई पर चढ़ के आपको देखना पड़ता है, और यहाँ पर सर्प बिच्छू और तरह तरह के जहरीले जानवर भी आते हैं। वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए इन छोटे छोटे वृक्षों पर चढ़ जाते हैं और पूरी तरह से वृक्ष जो है कि सर्पों और बिच्छुओं से भर जाता है। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बिच्छू रहते हैं और वो बिच्छू आपको तभी दिखाई देंगे जब आप पेड़ों पर देखेंगे। सारे बिच्छू जितने भी रहते हैं सब पानी में बहकर आते हैं, इन बबूल के छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। मेरी गाड़ी आ गया हूँ गाड़ी के पास, और कहीं लेफ्ट राइट करेंगे और जाने का मन तो कर रहा है, और दूर दूर तो चलेंगे और कहीं, और कहाँ चले, चलो इसी नदी के किनारे चलते हैं फिर से। आइए चलते हैं, जितना हो सकता है आपको हम दिखा दे रहे हैं। और हम चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ पक्षी हैं जिसको तीतर कहते हैं ना, वो यहाँ पर पाए जाते हैं और बहुत चालाक होते हैं। ये हमें देखते ही भागते हैं, हमें मतलब मैं हम सबको इंसानों को देखकर ये बहुत तेज़ी से भागा करते हैं। और यहाँ पर जब मैं चढ़ा हुआ था टापू पर, और टापू पर से आपको नदी दिखा रहा था, तो वो जो टापू है ये है, यहाँ पर है ये टापू जहाँ पे चढ़े थे अभी बापू, और वो है वो क्या है, अच्छा ये है पावर हाउस जो कि मैंने अभी ऊपर से आपको दिखाया था। और भाई ये खाली जगह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूँ गिरे हुए हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गेहूँ के जो सीड्स हैं आपको छिटे हुए दिखाई देंगे, गिरे हुए दिखाई देंगे, बिखरे हुए दिखाई देंगे, जो भी आपकी डोमेस्टिक लैंग्वेज हो आप समझ सकते हैं, बिखरे हुए, गिरे हुए, फेंके हुए, ठीक है। और हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, आपको नदियाँ दिखाने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे मवेशी हैं, बहुत ज़्यादा मवेशी हैं, और चलते हैं उस मवेशी के पास। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये मवेशी जो है कि घर जा रहे हैं,
सारे मवेशी, कुछ के तो मालिक हैं कुछ के मालिक नहीं हैं, तो जिन मवेशियों के मालिक नहीं हैं वो लोग यानी कि वो जानवर अपने आप ही घर चले जाएंगे, ट्रेंड हैं कह सकते हो एक तरह से, वो मवेशी ट्रेंड हैं, उनको प्रशिक्षण मिल चुका है घर जाने का, बहुत ही चालाक हैं। और ये लोग यहाँ कछार में क्या खाते हैं आप लोग यही सोचते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं जो गंगा किनारे हैं उन किनारों पर हरी हरी घासें हैं, और इन घासों में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है पशुओं के लिए, और इन्हें खाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इनका डेली का चारा बच जाता है। अगर जिसके पास 10 भैंस है उसको खिलाने में डेली कम से कम 2,000 का चार्ज तो पड़ ही जाता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो डेली का ये 2,000 रुपये बचाते हैं 10 भैंस के पीछे। और इनकी जो सर्विस चार्जेस हैं जो सर्व कर रहे हैं उनका भी चार्ज बच जाता है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही भेज छोड़ देते हैं अपने पशुओं को। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो झुंड आ रहा है मवेशियों का, इनका कोई मालिक नहीं है लेकिन ये फिर भी घर जा रहे हैं, इनको पता है कि अब शाम होने वाली है हमें घर जाना चाहिए, अब ये घर जा रहे हैं। और इन्हें इनके नौद में, नौद नौद आप लोग जानते हैं वो जो इनका पॉट होता है बना होता है जिसमें इन्हें चारा मिलता है, अब यहाँ वहाँ पर इनको चारा मिलेगा, चूनी चोकर स्टफ़ यानी कि भूसा जो भी है वो चीज़ें इनको मिलेंगी, और ये खाएंगे आराम से सोएंगे, और फिर इनको छोड़ दिया जाएगा सुबह, ये फिर ऐसे ही आएंगे। और ऊपर आसमान पर आप देख रहे हैं चिड़िया है वो भी अपने घोंसले में जा रही हैं। एक ज़माना होता था कि आसमान में हम बहुत सारे चिड़िया देखा करते थे, इसी तरह के जो झुंड बनाकर जाती थी और गंगा के पास ही जाती थी, हम लोग स्कूल से आते थे वापस स्कूल के पास से करीब बहुत सारे पक्षी आसमान में उड़ा करते थे, बिल्कुल एक तरह से डिजाइन बनाकर जैसे उनका झुंड होता है, और झुंड में सबसे आगे एक पक्षी होता है उसके पीछे ऐसे सब होते हैं, जिस तरह से आप राफेल लड़ाकू विमान देखे होंगे उसी तरह से, यानी कि जिसे एक पक्षी होता है पक्षी का जो सिर होता है वो आगे होता है बाकी पीछे उनके पंख होते हैं, ठीक उसी तरह से ये लोग डिजाइन बनाकर चलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी नए प्रोजेक्ट भी आए हैं जिन पर काम हो रहा है, जैसे कि वहाँ पर वो टापू देख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ बन जरूर रहा है, उन सब चीज़ों की भी वीडियो आ जाएगी आने वाले समय में। फिलहाल के लिए आपको जो भी चीज़ें अवेलेबल हो रही इस समय मैं वो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो इनका एंजॉय कीजिए, आप देखिए इन सब चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यार, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए जो पक्षी हैं ये इनके अंदर जा रहे हैं, तो इन्हें हो सकता है इसके अंदर कीड़े मकोड़े मिल रहे होंगे, ये खा रहे होंगे। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, मैं इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आप ध्यान देंगे तो ये पक्षियाँ जा रही हैं इसके अंदर, और इसके अंदर इन्हें मिलता क्या है, कीड़े मकोड़े मिल रहे होंगे, कछुए कछुआ वो माटी के अंदर जो रहता है लंबा लंबा वो वाला जो किसान का मित्र होता है, और बहुत तरह के ये लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो सारे यहाँ पर नदी के किनारे तो मिल ही जाते हैं, वही ये लोग मिट्टी को खोद कर उसको निकालते हैं, और बाकी क्या मिस्ट्री है वो चीज़ें मैं नहीं बता सकता, मैं जो चीज़ों जो जिसका अनुमान लगा रहा हूँ हो सकता है वही चीज़ हो, और दूसरी भी चीज़ें हो सकती है भाई, नेचर की बात है, नेचर में बहुत तमाम तमाम घटनाएं होती हैं, तमाम चीज़ें विचित्र देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ और मवेशियों के झुंड आ रहे हैं, और कुछ उधर भी लोग हैं जो घर जा रहे हैं, तो टाइम क्या हो रहा है भाई, टाइम मैं भी देख लेता हूँ, टाइम हो रहा है 4:50 शाम के, 4:50।
नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो उस तरफ जाऊँगा, उस तरफ भी रोड है तो रोड की साइड से मैं जाऊँगा और वहाँ की सीन लूँगा उधर के मवेशियों का। हो सकता है आज ही जाऊँ क्योंकि 4:50 हो रहे हैं और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में जाना मुझे लग रहा है कि इम्पॉसिबल है। यहाँ पर देख रहे हैं सब भागते हुए जा रहे हैं अपने अपने घर को, और ये वाली जो भैंस है ये बुला रही है इस वाले झुंड को, बोल रही है रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ, देखो कैसे दौड़ रही है बेचारी। वो लोग देखो रुक गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये वाली उसको आने दो। यहाँ पर देख रहे हो तो ये जो मवेशी है के खाली खुले आसमान में। ये है इलाहाबाद का खुला आसमान और ये है नीचे ज़मीन इलाहाबाद का कछार। तो आपने यहाँ का ब्लॉग वीडियो देखा, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इस वीडियो में 3-4 बार आ चुका हूँ, उसके बाद भी दिखा देता हूँ भाई। हाय, मैं ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मुझे वहाँ पर अभी दिख रहा है कुछ जानवर हैं जो खुशी के मारे घर पर जा रहे हैं, तो उनके पास भी चलेंगे, ठीक है। और जानवरों की खुशी तो आपने देखी थी, कितना ठंडा मौसम है और ये सब मस्ती करते हुए अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो घर को ये लोग जा रहे हैं, चलेंगे दिखाएंगे आपको किस तरह से ये लोग घर पे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरफ देखिए किस तरह से दौड़ते हुए खुशी में जा रहे हैं ये लोग अपने घर को, खा पी के बिल्कुल मस्त होके। और अभी तो टाइम हो रहा है 5 बजने को है, तो हम भी चलेंगे 5 के 6 बजने को, तो हम भी चलेंगे अपने घर, जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास। मेरे चारणा था ये है मेरे गाड़ी की चाबी, टीवीएस सुजुकी नहीं है। तो
यहाँ की ये हरियाली है, जिस तरह से आप फिल्मों में देखा करते हैं, ऐसी हरियाली आप लोग फिल्मों में देखते हैं, है ना? अगर ऐसा है तो कमेंट करके बताओ यार, तुम लोग शांत मत बैठो, मज़ा नहीं आता बिना कमेंट के। और इसी हरियाली के बीच गुजरते हुए हम चल रहे हैं अपनी गाड़ी के पास, बैक करेंगे। अरे हमने जो गाड़ी ली है अभी, नई नई गाड़ी ली है, नई नई मतलब बिल्कुल नई। हमने जो गाड़ी ली है बिल्कुल नई गाड़ी ली है, 3 महीने हुए ली है, ठीक है? तो अभी हमारे कैमरे का आप ब्लर विजन देख रहे हैं, पोर्ट्रेट मोड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ब्लर हो गया। तो हमारा कैमरा जो है कि बहुत ही अच्छा है, इससे साबित हो रहा है कि कैमरा जो हमारा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ तो ये वाली चीज़ जो है कि ब्लर हो जा रहा है। तो ये तो बात टेक्निकली हो गई, आइए हम लोग व्लॉग की बातें करते हैं, ठीक है? अभी इस गाड़ी की जो मंडी लॉक किए थे हम, अब मंडी को खोलेंगे, अब इसकी मंडी जो कि सीधी हो जाएगी। ये यहाँ पर यार कांटे बहुत ज़्यादा हैं, मुझे लग रहा है डर। यहाँ पर कांटे देखोगे, यहाँ बहुत तगड़ा कांटा है भाई, ये है कांटा यहाँ का। जूम आउट करेंगे ये बबूल के देसी कांटे हैं, अगर ये टायर में चले गए तो भाई पंचर कर देंगे, और पंचर करेंगे तो मैं जाऊँगा पैदल। और मैं तो ये चाहता नहीं कि मैं पैदल जाऊँ, क्योंकि मेरे घर से ये जो कछार वाला एरिया है बहुत बहुत दूर है, लगभग 7-8 किलोमीटर है। तो मुझे सबसे पहले देखना है आगे पीछे कहीं यहाँ पर कांटे तो नहीं है, उसके बाद ही जाना है। और इस वाले कांटे को मैं ऐसे हटाता हूँ, हट गया। और यार अभी मैं कह रहा था बकरियाँ नहीं है, पर मैंने अभी पर यहाँ पर बकरियाँ भी देखी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कुछ बकरियाँ भी हैं, चलेंगे इनके पास, आओ चलते हैं। भेड़ के साथ बकरियाँ, इनकी जोड़ी अच्छी होती है। ओह माय गॉड, चलिए चलते हैं। ज़्यादा कांटे हैं भाई, फोन मेरे घर से आ चुका है, फोन मैं अभी फोन नहीं उठाने वाला हूँ, अभी फोन नहीं उठाऊंगा। और मैं बस ऐसे ही बढ़ता जा रहा हूँ भाई, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरा टायर पंचर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कांटे जो है ना बहुत ही बड़े बड़े। ड्राइव कर रहा हूँ अपनी गाड़ी से, और मैं बकरियों के पास चलूँगा, और आपको वीडियो में मैं बकरियाँ बात करा दीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बकरियाँ दिखाने की बात की थी, वो बकरी किधर गई भाई, बकरी दिख ना रही है ना?
तो हम जब आए थे तो इसी जगह से उठे हुए थे, यानी कि इधर से ही आए थे। तो हम जैसे आए थे इधर से हम जा भी सकते हैं, ये सड़क भी आपको दिखा सकते हैं। और थोड़ा बहुत ही यार मुश्किल होता है यहाँ पर, देखिए ये गाड़ी भी मेरी है, गाड़ी भी संभालना है और मुझे ऊपर भी जाना है, और मेरे पास सेल्फी स्टिक तो है नहीं, और गाड़ी में एक आता है होल्डर मोबाइल पकड़वाने वाला वो भी नहीं है, नहीं तो मैं लगा देता आराम से बिंदास, गाड़ी भी संभाल लेता अपनी और आपको ये सड़क भी दिखा देता। ठीक है, तो वहाँ पर आप देख रहे हो भेड़ जा रही है, भेड़ के बीच में दो बकरियाँ हैं, वही बकरियाँ अभी दिख रही थी। तो ये महाशय अपनी बकरी को लेकर आएंगे इस नदी की तरफ से और ये ऐसे ही गुजरेंगे, और ये गंगा नदी है जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, और इधर से ही जाता है ये पानी इकट्ठा होकर संगम में मिलता है। जब गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियाँ मिलती हैं तब यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो बकरियाँ आ रही हैं ना, ये अभी जितनी भेड़ बकरियाँ हैं ये सब पानी पियेंगे, और ये तो छोटी नदी है, इसके आगे जब जाएंगे तो वहाँ पर एक बड़ी नदी भी है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहराई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी नदी है और उस साइड में बड़ी नदी, और वो बहुत ही दूर है। तो हम लोग पहले आते थे यार, यहाँ हम लोगों को यहाँ सारी चीज़ें पता है, और हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँ या फिर कल आऊँ तो वीडियो कल भी अपलोड करूँ, शूट करूँगा, तो हो सकता है मैं उस तरफ जाऊँ क्रॉस करके तो वहाँ की भी वीडियो शूट करूँगा। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम 5 बज रहा है, अगर टाइम बचता है तो मैं उस तरफ जाऊँगा। और ये आ रही बकरी, और यहाँ जो चरवाहे हैं मुझे लगता है मेरे ही गांव से है ये, और वहाँ से कुछ भैंस भी आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपने ये देखा कि ये जो खाली जगह है कछार, यहाँ पर आपको चरवाहे दिखेंगे, मवेशी दिखेंगे, और यहाँ पर कुछ आप लोगों ने ऐसे अजूबे भी देखे कि यहाँ से जो भैंसों का झुंड आता है उनका कोई मालिक नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर ये भैंसें जा रही ना, इनका कोई मालिक नहीं, लेकिन ये फिर भी अपने घर को चली जाएंगी, और इनके मालिक को पता है कि कितने टाइम पर मेरी हमारी भैंसें आती है, और आधे घंटे लेट होता है तो वो लोग खुद ही आते हैं और देखते हैं कि आखिर हमारे जो मवेशी हैं, झुंड है, भैंसे हैं, वो क्यों नहीं आई। और इसमें से एक कम भी जाता है तो ये जो, अगर इसमें से एक भी भैंस कम हो जाती है तो ये लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। अभी आपने बीच में वीडियो में देखा था एक भैंस छूट गई थी, तो उसके लिए दूसरे उनको जो भैंस की झुंड है वो रुकी थी, इसका इंतज़ार कर रही थी, तभी ये गई थी। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से ये जो जानवर हैं ये बिल्कुल यूनिटी बना के चलते हैं, एकता बना कर चलते हैं, और अकेले होने पर ये लोग, और अकेले होने पर ये लोग अपने झुंड को ढूंढते हैं, आवाज़ें देते हैं, तो उनके झुंड वाले इनकी आवाज़ भी पहचान लेते हैं। और अब अगर आप वहाँ पर आगे देखोगे उस जगह पर, तो अभी उस जगह पर बहुत सारी भैंस हैं, वो सभी भी यहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये व्लॉग वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं जाते जाते यहाँ पर देखिए ये है मेरी गाड़ी, और यहाँ पर हूँ मैं, और आज के जो वीडियो है बहुत ही मेहनत से बनाया हो, पूरे 1 घंटे की व्लॉग वीडियो बनाया हो, और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं। आपको अभी सारी चीज़ें मैंने नहीं बताया यहाँ की, सिर्फ मैंने जो परेड है, पूरे खाली जगह है, प्लॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सारी चीज़ें जब बताऊँगा तो बहुत ही लंबी वीडियो होगी, एक वीडियो और बनाऊँगा, पूरे 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूँगा। तो अभी के लिए मैं बस इतना ही बता सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से अगली एक नई व्लॉग वीडियो में, तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए यार, क्योंकि मेरा ये जो चैनल है नया चैनल है, तो ये जो व्लॉग का चैनल है, मेरे तो वैसे भी बहुत सारे चैनल है, पर ये जो व्लॉग का चैनल बनाया है मैंने नया बनाया है, और स्पेशली मैंने इलाहाबाद के व्लॉग वीडियोज़ के लिए बनाया है। तो इलाहाबाद की जितनी भी जगह है मैं जाऊँगा, उन जगहों पर घूमूंगा, वहाँ के गाँव में, शहर में तो नहीं जाऊँगा, पर वहाँ यहाँ के जितने भी गाँव हैं, नदियाँ हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर नई नई हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को मैं बताऊँगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट इसके बारे में ज़रूर बताना, और कमेंट के साथ साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना, उसके बाद ऑल पर क्लिक करना, ताकि जब भी आपको इस तरह की
हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो आएगी या फिर अगली वीडियो जब आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, व्लॉग की वीडियो में इसी तरह की। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।